कश्मीर टीवी वन को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली न्यूज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, समानी हॉस्पिटल कोरोना वायरस के हवाले से यहां आने वाले लोगों के टेस्ट, इस वक्त कुछ लोग अभी अभी आए हैं जिनमें कुछ लोग रावलपिंडी से हैं और कुछ किसी और जगह से। तो अमला सुबह से लाहौर से बता रहे हैं और यहाँ सुबह से अमला मौजूद है। अभी वो रिलैक्स होने लगे थे कि मरीज़ और ये लोग आ गए हैं सस्पेक्टेड, ये खुद ही टेस्ट करवाने आ रहे हैं और उसका ये फ़ायदा पहुँच रहा है कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं पैदा हो रहा। जो भी आ रहा है वो टेस्ट करवा रहा है और इस वक्त तक आने वाले इतने दिनों से जितने लोग आ रहे हैं उनका टेस्ट बिल्कुल मुनासिब है। कोई कोरोना का पेशेंट क्लियर नहीं हुआ, सभी सेहतमंद लोग हैं और यहाँ अमलाबाद दस्तूर अपने फ़राइज सर अंजाम दे रहा है। जनाब, हमारे पास जितने लोग हैं ये सुबह के बैठे हुए हैं और अब लगभग 3:30 हो चुके हैं और लग रहा है कि अभी जब तक कुछ और मरीज इस दौरान और अगर लोग पहुँच आते हैं, मरीज तो नहीं है भारत और सस्पेक्टेड भी नहीं, लेकिन टेस्ट की हद तक इन्हें मौजूद रहना पड़ता है। और ख़वातीन भी हैं जो अभी गाड़ी में हैं, फिल वक्त यहाँ को प्रॉब्लम नहीं है ना ही फील किया जा रहा है। जी आप कहाँ से हैं? जी लाहौर से मैं हूँ। लाहौर से आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? जी जी आज़ाद कश्मीर से। नहीं, यहाँ आसमानी में कौन सी जगह से? जी रमलोह गाँव है हमारा। तो आपको आते हुए कहीं टेस्ट के मराइल से गुजरना पड़ा? नहीं, हमारा कोई ऐसा टेस्ट नहीं। 12 लम्बन है, त्यातन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई हूँ मैं, वहाँ पे करवा के। जी मैं वहाँ पर टेस्ट करवाया है। टेस्ट करवा के हैं, लेकिन जब आप कश्मीर में एंटर हुए तो कौन सी जगह से आपकी गाड़ी एंटर हुई? सीधा ट्रैक के जो है लाहौर से जो है आज़ाद कश्मीर आ गए। नहीं तो फिर सीधे सुमानी आए, रास्ते में बड़ेंग जो आपको किसी ने रोका नहीं? नहीं, किसी ने रोका टेस्ट के लिए भी? जी नहीं। जी नाजरीन, हमारा ये अपनी राय थी, ये फील किया जा रहा था कि एंट्री पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं कोई चेकअप का होगा। बहरहाल ये बता रहे नहीं हुआ, कुछ लोग पहले आए जिन्होंने ये कहा है कि हमें एंट्री पॉइंट पे भिड़ेंग भी चेक किया गया है। बार तौर हमारे पास अभी की इस वक्त की आज की ये रिपोर्ट है। ये आपकी नजर है, अल्लाह हाफिज़। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे और हम भी ये कह रहे हैं कि एंट्री पॉइंट पे चेक नहीं हुआ, क्या वजह है? देखिए जी, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बंदा भी बाहर से आता है उसे कम से कम डिस्ट्रिक्ट में जो है ना उसे रोका जाए, वो चेकअप कर जो है ना वहाँ पर फिर जो है ना उसको आना दिया जाए। जाहिर बात है जब वो चेकिंग नहीं होगी घर में आएंगे तो फिर घर में भी मसाइल ऐसे होंगे। जब आप एंट्री पॉइंट से निकल आए और अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो तो फिर फैल जाएगी, मामला दूर चला जाएगा। जी 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 नाजरीन, ये बता रहे थे हमें, नाम आप रिपीट कीजिए। जी नाम आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद आरिफ नवाज। जी जी ठीक है, शुक्रिया। नाजरीन आप देख रहे हैं आली न्यूज। इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर सुमानी में करंटीना सेंटर का कयाम अमल में आ चुका है। 10 बेड्स के रूम्स यहां मैनेज हो चुके हैं, अलग से बिल्डिंग है। ये हम आपको दिखा रहे हैं जिसके लिए तमाम अशिया यहां बिल्कुल मौजूद और मुमकिन करके इसको किसी भी हंगामी सूरतेहाल के लिए तैयार कर दिया गया है। और ऐसे ही जैसा कि अभी हम आपको एक रूम दिखा के अभी दूसरा दिखाएंगे, ये एक रूम था ये बालाई बिल्डिंग में, ये नाजरीन दूसरा है और बिल्कुल इसी तरह अंदर बाथरूम में तमाम अशिया है। नाजरीन ये तीसरा रूम है, ये भी बालाई मंजिल में है। ये नाजरीन चौथा रूम है, यहां जैसे कि आप देख रहे हैं कि जरूरत की हर चीज यहां रख दी गई है ताकि जो कोरोना वायरस से मुतलका तो वाकयाती मामला मसाइल हों तो जो जिसको यहाँ करंटीना में रखा जाए उसके लिए कोई ऐसी कमी ना हो कि दोबारा जो वायरस से मुतासरा नहीं है बल्कि सिर्फ पेशेंट्स को देखेंगे या मामलात को संभालेंगे वो मुतासर हों, इसके लिए हर चीज़
मुहैया कर दी गई है। इस वक्त हम तहसीली हेडक्वार्टर सुमानी में विजिट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं करंतीना सेंटर। यहाँ ये तमाम अशिया हैं जो यहाँ मैनेज कर दी गई है। नाज़रीन, ये लोटा बाल्टी और इस तरह से गुस्ल के लिए जो अशिया जरूरत है, वो वाइपर, बेड, तौलिया, ये डस्टबिन है, इस तरह कुछ, ये वो क्या चीज है जी, टिश्यूज हैं, और लोग दिखाइएगा जी। ये नाज़रीन, ये छठा सातवां हमने आपको दिखाया, और दिखाई जी, ये नाज़रीन ये बेड है, यहां तमाम इंतजामात। ये नाज़रीन कोर्ट जो हमारे चौधरी अख्तर इस तमाम मामलात को मैनेज कर रहे हैं, ये उनकी जानिब से अतिया किया गया सामान सारा, और इस तरह से कुछ चीजें स्पेयर भी मौजूद हैं जिन्हें एडजस्ट कर किया जाना है। ये देख रहे हैं आप तमाम अशिया यहाँ उसके लिए मौजूद हैं, जो कहीं कमी बेशी होगी उसके लिए भी इंतजाम कर लिए गए हैं। ये आर्फन जो जनूबी एशिया यानी साउथ एशिया का आर्फन का सबसे बड़ा इदारा कोर्ट जो चला रहे हैं चौधरी अख्तर, उनकी जानिब से ये करंतीना सेंटर के लिए तमाम सामान तहसील समानी हॉस्पिटल में कल हवाला हुआ था, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको दी, और ये तमाम इंतजाम इसको अमली शक्ल देकर बिल्कुल तैयारी की पोजीशन में आप समानी ये रिपोर्ट मेरी मुलाजा कर चुके हैं। मैं साफी चौधरी फजल रहमान आपसे इजाज़त चाहूँगा।